Al Mantashar Realty presents to you The Heaven's Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Mantashar Realty. A magnificent 21-story tower, centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. कपड़ा सिलाई को लेकर महिलाओं में हुए विवाद पर क्या बोले रुखसाना कुरैशी और उनके बच्चे? सभी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी राशिद शेख और हामिद शेख, ये दो भाई घायल हुए थे एक झगड़े में। उनकी बहन की कपड़े की दुकान है सिलाई की, यहाँ पर एक महिला ने कपड़ा दिया था सिलने के लिए, उसी को लेकर के कुछ विवाद हुआ और फिर बात जो है खूनी झड़प में तब्दील हो गई। इसमें राशिद शेख और उनके अन्य जख्मी भाई ने क्या जानकारी दी, उनकी बहनों ने क्या बताया जो कपड़े की दुकान भी चलाती है, वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दूसरा पक्ष जो है, जिस महिला ने यहाँ पर कपड़ा सिलने डाला था उस महिला ने क्या जानकारी दी। रुखसाना कुरैशी इनका नाम है, इनके साथ इनकी छोटी बच्ची थी। खबर मिलने पर इनका छोटा लड़का वहाँ पहुँचा था और कहना है कि सभी जो है स्थानीय आसपास परिसर के ही लोग थे, हमने किन्हीं लोगों को नहीं बुलाया था, उन्हीं लोगों ने जो है लोगों को बुलाया था। और वो खुद लड़की जो टेलर का काम जो करती वो और उसकी बहनें वहाँ पर दबंग गई और मारपीट करने पर उतारू थी। उसका एक वीडियो भी उन्होंने हमें बताया है जो हम आपको बता रहे हैं। दोनों पक्ष आपके सामने हैं, देखिए कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितने सही आरोप लगा रहा है और कौन कितना झूठ गढ़ रहा है। जी क्या नाम है आपका? रुखसाना। पूरा नाम बताइए। रुखसाना कुरैशी। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? रुखसाना कुरैशी। रुखसाना जी, कल कुछ झगड़ा हुआ था आपने कादर पैलेस की किसी कपड़ा सिलाई की दुकान में, कपड़ा कुछ सिलने दिया था, उस पर से कुछ आपका वहां पर जो है विवाद हुआ है, मारपीट की पूरी वारदात हुई है वहां पर, और इसमें आप लोगों के खिलाफ या अन्य आप लोगों के साथ जो भी लोग थे उन पर FIR बनाया गया। क्या पूरा मामला है? ऐसा हुआ कि 3 बजे फ़ोन करा उन्होंने, 3 बजे मैं गई उधर, तो बोली कपड़ा सिल गया, तो बोली नहीं 4 बजे आना। 4 बजे आए तो उन्होंने फिर फ़ोन करा, 4 बजे मैं नहीं गई, फिर फ़ोन करा उसने, फिर फ़ोन करा तो वो बोली किसने फ़ोन किया था? ये वो लड़की ने किया था, वो टेलर जो है ना लड़की ने किया था। बोले 15 मिनट। अच्छा, ये कपड़ा कब सिलने दिया था आपने? हमने 12 रोज हो गया। 12 रोज हो गया। तो कल आप कपड़ा लेने गई, उसने खुद आपको बुलाया था कि 4 बजे का करके कपड़ा लेना, तो फिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? वो झगड़ा बोला अपना, बोली कि हाँ 4:15 बजे आना, मैं गई तो बोली अम्मी के पास जाना, तुम मेरी अम्मी के पास जाओ। अच्छा। मेरे को मालूम नहीं है कहाँ तुम्हारा घर है क्या है। बोले वो बेकरी है, तो बेकरी के ऊपर एक पहले माले पे रूम है उनका। अच्छा, तो हम चलेगा, मैं भी थी, मेरी बेटी भी थी। अच्छा, ये दोनों बेटा बेटी साथ में थे उस वक्त? नहीं, बेटा नहीं था, बेटी। अच्छा, थी बस, बेटी थी उस वक्त। हाँ, साथ में। अच्छा, हम चलेगा तो उनकी मम्मी बोली क्या है मेरा तुम्हारा कपड़ा भी सिला नहीं है। मैं बोली तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, हम रोजे से परेशान हो रहे हैं, 3 बार फोन कर दिया, बुलाया है, तो तुम्हें बोलना चाहिए था कि आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, तुम्हारा कपड़ा कल हो जाएगा। तो वो बोली अभी कपड़ा सिला नहीं तुम्हारा। बोले तो तुम्हें बोलना चाहिए था कि वो फ़ोन कर रही थी हमारे पास, अब हम नीचे चले गए। वो नीचे फिर फ़ोन करा उसने, अपने भाई को बुलाया और अपनी बहन माँ को भी बुलाया, बहन को भी बुलाया, वो 3-4 जन जाके उन्होंने मुझे हमला करा। अच्छा, वो लड़की है कि औरत है, क्या है? लड़की है वो। अच्छा, कपड़े सिलती है, सिलती है वो। अच्छा, तो ये फिर कल आप 4 बजे गए, उसकी माँ से भी मिले, फिर वापस लौट करके दुकान पर आए, दुकान पे आए, तो फिर झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? तो फिर झगड़ा ऐसे हुआ कि वो लड़का आया ना, उनका भाई, बोले तुम अभी तो मना करा था और अभी तुम आ गई। मैं बोली हमें क्या मना करा था, हमें तो बुलाया तुम्हारे बहन ने, तो हम आए। बोले नहीं चले जाओ यहाँ से। उसने मेरे मोबाइल भी मारा और धक्का भी दिया, उसके भाई ने। भाई ने। अच्छा। हाँ, तो मैं जो थी मैं बोली आपने देखे वो दो भाई जो है हमारे न्यूज पे उन्होंने बयान, वो नहीं है, वो लोग नहीं, नहीं है। है वो
वो लड़का अलग ही है, वो अलग आया ही नहीं, वो सामने आया ही नहीं, जिसने आपको धक्का मारा, मोबाइल आपका गिराया, वो अलग लड़का है, वो अलग, ये राशिद नहीं है, और दूसरा जो है उसका भाई कोई नहीं है, कोई भी नहीं था। अच्छा, हाँ, बाद में वो उसने मेरा हमला करा ना, हाँ, तो वे सब लोग बोलने लगे कि ऐसा नहीं मारना चाहिए, लेडीज को क्यों मार रहा है। अच्छा, हाँ, वहाँ लोगों ने कहा इसी बात, अच्छा, लोग जमा हो गया उधर, हाँ, फिर मैं चली गई। अच्छा, कुछ उस वक्त जब आप पे हमला किया उसका कुछ वीडियो भी बनाया मैंने सुना, वो मालूम नहीं मुझे, मेरे पास मोबाइल कुछ नहीं था। अच्छा, मैं तो ऐसे ही आ गई। अच्छा, तो फिर वो, फिर ये मेरा बेटा आ गया, हाँ, फिर उस, ये आया तो उसको भी मारा। अच्छा, इसको भी मारा, इसको भी हमला कर दिया, और कोई नहीं था मेरे साथ में, बस हम तीन थे। तो अब उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है, उनका केस आपके लोगों के खिलाफ बन गया है, तो वो उन्होंने आपस में ही कराया उनका केस। अच्छा, उन्होंने एक अकबर, कौसर, ऐसे सब नाम लिए मारपीट में, कौन ये लोग आपके साथ वहाँ क्यों गए थे? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था, नहीं, बस खाली मेरे बेटा, मैं, मेरी बेटी थी। आप तीन ही लोग थे, बाकी कोई और नहीं था आपके साथ में? ठीक है, बेटा क्या हुआ था झगड़ा, अम्मी के साथ तुम गई थी वहाँ पर? हम लोग गए ना तो दुकान पर, उनसे बात करा, उनकी बहन से जो कपड़ा सिलती है, तो वो बोलती अब कपड़ा नहीं सिला, तुम लोग अब चले जाओ, शाम को आकर ले जाना। तो हम लोग बोलते हम लोग को थका रहे रोजे से, हम लोग नहीं आएगा अभी बात को, तो बोलते कल आ जाना। तो इतने में इसका भाई आया, मेरा आँख पे चढ़ने लगा, आँख पे जो चढ़ा ना तो गाली वाली देने लगा, तो मेरे को गुस्सा आया, तो फिर मम्मी को थप्पड़ मारा उसने, मोबाइल भी फेंक कर मारा। अच्छा, तो मैं बोलती अभी बुलाती, तो बोलता जा अपने भाई को बुला गला, कौन है तेरा भाई? तो मैं बोलती अभी बुला गला, तो बोलता बुला गला, मैं डरता हूँ क्या तेरे भाई से, कौन है तेरा भाई? तो इतने में फिर मैं, हम लोग चले गए। अच्छा, सीधा तुम्हारे सामने कपड़ा देरी से दे रहे हो, धक्के खिला रहे हो, ये कहने पर मारना शुरू कर दिया, अम्मी के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। क्या क्या नाम था उसका, कुछ पता है तुमको, जानती हो उसको? नहीं, हम लोग नहीं। शक्ल से देखोगी तो पहचान लोगी। हाँ। ठीक है, अच्छा भाई कब पहुंचा वहाँ पर? भाई हम लोग जा रहे थे तो भाई मिला हम लोग को सामने। अच्छा। तो भाई बोलता किसने मारा, तो भाई फिर गया वहाँ पर, मैं घर पे चली गई थी। फिर भाई के साथ क्या हुआ? जमा होके बैठे थे, उसके बाद मैं गया। तुम कब पहुंचे वहाँ पर? जी मैं जा रहा था ना, मैं बोला देख के आता हूँ क्या है मैं। उसके बाद में मैं गया तो इन लोग मेरे को रास्ते में मिले। रास्ते में मिल गए जी। हाँ। उसके बाद में मैं बोला चलो देख के आया था कौन है, लेडीज का मसला है, जेंट्स की हाथ उठा रहा है। हाँ। उसके बाद में मैं गया उधर पे देखने में, पूछताछ करने लगा, उसकी मम्मी गेट पे बैठे, उसकी मम्मी गाली गलौज करने लगी। उसके बाद में वो बाहर निकल के आया, मेरे को भी लाफा मारा। अच्छा जी, मैं बोला उसको कि लेडीज का मसला है, लेडीज ही समझ सकते है, आप क्यों हाथ उठा रहे? उसके बाद में बोलता जा जिसको बुलाने का बुला ले। मैं बोला मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं काम धाम वाला हूँ, मैं काम से आया था इसके लिए। उसके बाद में मारने के बाद में मेरे को भी मारा, धक्का वक्का दिया, भूसा लात वात सब मारा। उसके बाद में अच्छा वो उनको सर में चोट आई है, नाक पर चोट आई है और चोट आई है, दोनों भाई बता रहे, देखा होगा तुमने, हमने न्यूज पे भी चलाया है, पट्टियां लगी हुई है सब। तो ये मारपीट उनके उनके साथ कहाँ हुई, कब हुई, किन लोगों ने की? वो हम लोग को नहीं मालूम वो कौन किया कौन नहीं, हम लोग का उससे हुआ। अच्छा, हमने खबर में, मतलब आप तीनों से एक बात में कह रहा हूँ, हमने खबर में दो वीडियो उसमें दिखाए हैं मारपीट के, जब मारपीट हो रही थी तो उसमें कई सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो कौन लोग है वो लोग सब? पहचानते नहीं तुम लोग, तुम्हारे बुलाए हुए लोग नहीं थे? नहीं नहीं, हम लोग किसी को बुलाए नहीं, मैं तो खाली बात करने गया, मैं झगड़े के मूड में नहीं गया। अच्छा, बात करके आ जाएंगे, क्यों है, क्यों मारा, गलती तो उनको, जिन लोगों ने जख्मी किया है, जिन लोगों ने मारा है, उनसे तुम लोगों का कोई संबंध नहीं, नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। फिर तुम्हारे साथ में भी वहां तुम जब गए थे पूछताछ करने तो मारपीट हुई है। ठीक है, शिकायत की आप लोगों ने पुलिस में? Thank you.